हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवेश शर्मा। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है भाषा की बोलियां, डायलेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, तो उसी के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत जो जो बोलियां आती हैं उसके विषय में बताया था। लेकिन एक बार फिर से हम पिछली वीडियो का शॉर्ट में समझा देते हैं कि भाषा की जो बोलियां हैं इस प्रकार से हैं: पश्चिमी हिंदी वर्ग, पूर्वी हिंदी वर्ग, बिहारी हिंदी वर्ग, राजस्थानी हिंदी वर्ग और पहाड़ी हिंदी वर्ग। पिछली बार जो हमने पश्चिमी हिंदी भाषा वर्ग के विषय में समझाया था और आज पूर्वी हिंदी वर्ग के विषय में समझाएंगे, लेकिन फिर भी आज पश्चिमी हिंदी वर्ग के विषय में थोड़ा संक्षिप्तता के साथ बता देते हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत दो ही वर्ग माने गए हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग। हिंदी क्षेत्र के पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत खड़ी बोली, कौरवी, हरियाणवी, बांगड़ू, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली को रखा गया है। इधर कुछ विद्वान निमाड़ी को भी इस वर्ग में रखने के पक्ष में हैं। इस प्रकार उपभाषा वर्ग में छह बोलियां होती हैं। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग पंजाबी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी और मराठी भाषाओं से घिरा हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस उपभाषा वर्ग यानी सौर सैनी अभिधान से संबंध है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं ब्रज, कौरवी खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और निमाड़ी। अब हम देखेंगे पूर्वी हिंदी यानी कि ईस्टर्न हिंदी। इसमें जो आने वाली बोलियां हैं वो तीन हैं: अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। यानी कहने का तात्पर्य यह कि हिंदी प्रदेश में पूर्वी भाग में बोली जाने वाली बोलियों के समूह के लिए जो है पूर्वी हिंदी नाम भी जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दिया हुआ है। ये पश्चिमी हिंदी के अनुरूप है। वास्तव में इस क्षेत्र में तीन बोलियां हैं जो अभी बताई गई थी, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। ग्रियर्सन अवधी और छत्तीसगढ़ी को भी पूर्वी के अंतर्गत रखने के पक्ष में थे, लेकिन जनमत के कारण उन्हें बघेली को भी पृथक बोली मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। इन तीनों बोलियों में अवधि का विशेष महत्व है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना इसी में की है। ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अभ्यंतर से माना जाता है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र प्रधानता नागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ लोगों में कैथी लिपि भी प्रचलित है। ये अर्धमागधी अभ्यंतर से विकसित हुई है। इसकी तीन जो बोलियां हैं वह उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। कहाँ कहाँ बोली जाती हैं इस विषय में हम आपको बताते हैं कि अवधि पूर्वी हिंदी की प्रतिनिधि बोली है। इस बोली के क्षेत्र में हरदोई जिले को छोड़कर पूरा अवध प्रांत यानी कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और रायबरेली सम्मिलित हैं। अवध प्रांत के बाहर भी ये बोली प्रयुक्त होती है, जैसे कि जौनपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर, इलाहाबाद। ए मूलक स्वर न होकर संयुक्त स्वर है। इसमें ए और ओ के दीर्घ और सदस्य दोनों रूप हैं। णा नहीं मिलता है, ना मिलता है, जैसे कि रावण और रावण। णा के स्थान पर रा और ला के स्थान पर रा का प्रयोग भी मिलता है। बघेली, ये बघेलखंड की बोली है। इसका केंद्र रीवा है। छत्तीसगढ़ी, इसका विस्तार रायपुर, बिलासपुर जिलों में था। इसमें कुछ लोकगीत मिलते हैं। पूर्व हिंदी में आकारांत विशेषण कम है। पूर्वी हिंदी में संज्ञा शब्दों के तीन रूप प्रचलित हैं, जैसे घोड़ा, घोड़वा, घोड़ोवा। पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी को दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी। पूर्वी बिहारी को दो भागों में विभाजित किया गया है, मगही और मैथिली, और पश्चिमी में एक आती है भोजपुरी। बिहारी मगधी अभ्यंतर से मिलती है। वस्तुतः बिहारी कोई भाषा नहीं, ये भाषाओं का समूह है जो बिहार प्रांत में बोली जाती है। प्रमुख हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी यानी कि बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर, दक्षिणी पूर्वी भाग, जौनपुर पूर्वी भाग तथा बिहार में शाहबाद, छपरा, चंपारण, रांची कुछ भाग, पलामू कुछ भाग में बोली जाती है। बोलने वालों की दृष्टि से ये हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। कबीरदास, चरणदास, धर्मदास, धरणीदास, शिव नारायण और लक्ष्मी सखी भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि हैं। भोजपुरी में अनेक फिल्मों का निर्माण हुआ है और बहुत प्रसिद्ध भी हुई हैं। अनेक पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुए हैं। रा ध्वनि नहीं है, आ ई ऊ के अति ह्रस्व रूप भी होते हैं। आ का उच्चारण थोड़ा वृत्ताकार होता है। अ और औ का उच्चारण आई
औ हो जाता है, जैसे पैसा गौना, पैसा को पैसा हो जाएगा और गौना को गौना हो जाएगा। स्वरों में अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति है, जैसे पायर पेच, शब्दों के मध्य आने वाले रा का लोप हो जाता है, जैसे लरिका और लईका। ला रा का रा में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे थोड़ा थोड़ा, घोड़ा घोड़ा, इस तरह से हो जाता है। अम्ब अम्ब संयुक्त व्यंजन मा और मह में बदल जाते हैं, जैसे लंबा लाम। महाप्राणीकरण के उदाहरण मिलते हैं, जैसे महाभारत का महाभारत। वर्ण विपर्य की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे लखनऊ को नखलऊ। ये सामान्यतः देखा जाता है, सुना भी जाता है, कई लोग इसी तरह से जो कि लखनऊ को नखलऊ बोलते हैं। मैथिली पूर्वी आंचल की महत्वपूर्ण भाषा है। दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर की पूर्वी भाग में बोली जाती है। इसका एक भेद मुंगेर और भागलपुर में भी बोला जाता है। बिहारी भाषाओं में सबसे अधिक साहित्य मैथिली भाषा में है। विद्यापति, उमापति, हर्षनाथ, लखीमा, ठकुरानी, मनोबोध झा, चंदा झा आदि प्रसिद्ध कवि हैं। किसके? मैथिली के। मधुर लोकगीत का बाहुल्य है, मैथिली शब्द अजंत होते हैं। अब देखेंगे हम मगही। पटना, गया, हजारीबाग एवं भागलपुर के पूर्वी भागों में बोली जाती है। इसमें उल्लेखनीय साहित्य नहीं है, हाँ मूलक रूपों का प्रचलन इसमें अधिक है। ये बिहारी हिंदी के भाग थे। तो बोली वही होती है, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जिसकी अपनी पहचान होती है, जिसका अपना सिंटैक्स होता है। तो इसलिए कह सकते हैं ये डायलैक्ट इज जनरली ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज विच इज स्पेसिफिक टू ए रीजन और सोशल ग्रुप एंड यूजुअली हैज डिफरेंसेस इन प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी। इट्स स्टिल ए बिट फ्यूजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज डायलैक्ट्स कैन बी स्पोकन बाय पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर टाउन और बाय ए होल नेशन। एक उपयोग के आधार पर एक भाषा की एक किस्म को संदर्भित करता है, जो भाषा को बोलने वालों के एक विशेष समूह की विशेषता है या विशेषता बताता है। इस परिभाषा के तहत किसी विशेष भाषा की बोलियां या किस्में गहराई व बारीकी से संबंधित होती हैं, और वैसा ही है। और उनके मतभेदों के बावजूद सबसे अधिक बार बड़े पैमाने पर पारस्परिक रूप से ये समझदार होती हैं, जानकार होती हैं, खासकर अगर बोली निरंतरता पर एक दूसरे के करीब होती हैं। ये क्षेत्रीय भाषा पैटर्न के लिए सबसे अधिक बार प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन एक बोली को अन्य कारकों जैसे कि सामाजिक वर्ग या जातिता द्वारा भी परिभाषित किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राजस्थानी हिंदी वर्ग और पहाड़ी हिंदी वर्ग। धन्यवाद।